BRIC देशों की नई करेंसी को लेकर चर्चा ने पश्चिमी देशों को सतर्क कर दिया है। दरअसल वर्तमान में अधिकतर वैश्विक व्यापार अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है और देशों के बीच व्यापार के लिए डॉलर का ही सहारा लिया जाता है। अमेरिकी डॉलर का दबदबा इतना है कि दुनिया के करीब 80% व्यापार में इसे ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब रूस, चीन, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के गठबंधन BRICS ने एक नई करेंसी की घोषणा कर अमेरिकी डॉलर की स्थिति को चुनौती दे दी है। इस तस्वीर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक नया नोट हाथ में लिए नजर आते हैं। इस नोट को BRICS करेंसी कहा जा रहा है और इसे ब्रिक्स देशों के लिए एक संभावित साझा मुद्रा के रूप में देखा जा रहा है, जो व्यापारिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसे पश्चिमी देशों के लिए एक नई चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि इस करेंसी का इस्तेमाल कर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। हाल ही में ब्रिक्स समिट के दौरान इस नोट को एक डेमो के तौर पर पेश किया गया था। इसमें ब्रिक्स के सदस्य देशों के झंडे और उनके प्रमुख प्रतीकों जैसे भारत का ताजमहल और चीन का ड्रैगन को दर्शाया गया है। हालांकि यह अभी एक डेमो है, इसे अभी तक आधिकारिक मुद्रा के रूप में नहीं लॉन्च किया गया है, परंतु पुतिन का इस नोट के प्रति रुझान और समर्थन इस बात का संकेत देता है कि भविष्य में इसे आधिकारिक मुद्रा बनाने की तैयारी हो सकती है। BRICS का यह नया मुद्रा तंत्र उन देशों के लिए राहत की तरह है जो डॉलर के दबाव में व्यापार करने को मजबूर थे। इस पहल का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देना है, खासकर उन देशों के लिए जिन्हें अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जैसे रूस और ईरान, जिन्हें अमेरिका ने डॉलर में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस स्थिति में BRICS देशों का साझा करेंसी सिस्टम उन पर डॉलर के प्रभाव को कम कर सकता है। BRICS करेंसी की योजना के साथ साथ एक नए डिजिटल पेमेंट सिस्टम का भी अनावरण किया गया है। इसे लागू करने से ब्रिक्स देशों के नागरिक बिना अपने पैसे को एक्सचेंज किए एक दूसरे के देशों में व्यापार कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, यदि भारत का कोई व्यक्ति चीन यात्रा करता है तो वह अपने डिजिटल सिस्टम के माध्यम से भुगतान कर सकेगा, और इसी प्रकार अगर रूस का कोई नागरिक भारत आता है तो वह भी आसानी से डिजिटल माध्यम से पेमेंट कर सकेगा। यह पेमेंट सिस्टम एक ऐसी क्रांति को दर्शाता है जो ब्रिक्स देशों को डॉलर पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त कर सकता है। BRICS के बढ़ते प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में इसके पास 45% जनसंख्या और 35% वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है। इस समय BRICS में कुल 11 देश शामिल हैं और इसके विस्तार की संभावनाओं के बीच यह संख्या जल्द ही दोगुनी हो सकती है। BRICS का यह कदम सिर्फ अमेरिकी डॉलर के दबाव को कम नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के अन्य देशों के सामने एक नया विकल्प भी पेश करेगा। पश्चिमी देशों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि BRICS का व्यापारिक मॉडल उन सभी देशों के लिए राहत प्रदान करेगा जो अमेरिकी डॉलर के दादागिरी से परेशान हैं। इस पहल से यह भी संभव है कि आने वाले समय में पश्चिमी देश भी BRICS करेंसी को व्यापार के लिए अपनाने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसा होने पर BRICS का सामूहिक प्रभाव इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी देश इनके खिलाफ कदम उठाने से पहले कई बार सोचेगा।